हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का अशोक तिवारी चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल फिजिक्स नोट्स दर्ज क्लास एलेवन चैप्टर टू चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट हम बात करें स्टूडेंट्स द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इट्स स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी और उसका स्टैंडर्ड यूनिट से अगर हम कंपैरिजन करें हैं, तो उसको हम मापन कहते हैं मेजरमेंट कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब मतलब कि वो सारी क्वांटिटी या वो टर्म जिसको कि लॉ ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब करता है फिजिक्स का नियम डिस्क्राइब करता है बताता है एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं अब फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें जानना है जैसे अगर हम चीनी लेने जा रहे हैं तो चीनी एक किलो हम लेके आ रहे हैं तो यूनिट यूनिट क्या है? अब उन सारी की बात करते हैं। कपड़े लेने जाएंगे तो किलो की बात तो नहीं करेंगे उसमें लेंटिटी इज टेकन एज इट्स मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट हम अगर लेते हैं तो उसको हम यूनिट कहते हैं रिप्रोड्यूसिबल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड उसको हर जगह ये चीज एक्सेप्ट किया जाए कि ये जो है वो वाकई में इतना ही है तो ये तो हो गई यूनिट अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की अगर हम फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो कुछ यूनिट यहां पर हम आपको बता रहे हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू तो ईच अदर दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट अब फंडामेंटल क्वालिटी क्या क्या है अगर हम कपड़े की बात करें तो लेंथ की बात करेंगे मास की बात करेंगे अगर हम एक किलो चीनी ले रहे हैं एक किलो चावल ले रहे हैं किलो आटा ले रहे हैं तो किलोग्राम की बात करेंगे अब कहीं हमें गाड़ी पकड़ने जाना है तो हम समय की बात करेंगे कोई चीज हमने छुआ और वो बहुत गर्म है तो हम उसको टेम्परेचर की बात करेंगे किसी चीज को हमने जब इलेक्ट्रिक अप्लायसेस को छुआ और उसमें से हमें झटका लगा तो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें लेंथ हो गया मास हो गया टाइम हो गया टेम्परेचर हो गया इलेक्ट्रिक करंट हो गया लुमिनस हो गया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया ये सब क्या है स्टूडेंट्स फंडामेंटल क्वान्टिटी अब लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या है मीटर है और इसका सिंबल क्या है स्मॉल एम मास का क्या है किलोग्राम है तो के हम इसको बोलते हैं सिम्बल टाइम को बात करें तो मिनिमम हमारा जो मेजरमेंट फंडामेंटल यूनिट है वो सेकेंड है इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर में कैलविन है के की बात करते तो के की बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट है तो हमारा एम्पियर है ए तो की बात करेंगे और लूमिनस इंटेंसिटी है तो कैंडेला है उसको सी की बात तो ये जो यूनिट सिंबल है इसी का हम यूज स्टूडेंट्स करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो मॉल की बात करेंगे तो दो फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर अब लेंथ मास पे नहीं डिपेंड है मास लेंथ पे डिपेंड नहीं है तो फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स दैट इज अ सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट की तो उसमें आता रेडियन और स्टेरेडियन ये दो सप्लीमेंट फंडामेंटल यूनिट हैं अब अगर इसको हम मेज़र करें तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो चीज़ों में तो रेंडियन रेडियन को हम प्लेन एंगल से और स्टेडियन को हम सॉलिड एंगल से मेज़र करते हैं प्लेन एंगल का रेडियन आर होता है यूनिट सिंबल और सॉलिड का होता है स्टेडियन एस अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं स्टूडेंट्स जो कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अहमियत रखती हैं वो क्या है

सही आंसर दिया जाएगा स्टूडेंट्स आप जल्दी से जल्दी लाइक बढ़ाइए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट्स आपके लिए लेके आए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए लोगों को शेयर करिए जिसको भी इसकी जरूरत है वहां तक हम लोग पहुंचे और एक क्वालिटी वीडियो आपको बना के दें जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स की तो सेवन फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई हैव बीन डिफाइंड एज अंडर वन किलोग्राम की बात करते हैं तो एक सिलेंडर और सिलेंडर प्रोटोटाइप मास मेड अप ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम अलॉय ऑफ हाइट 39 मिलीमीटर एंड डायमीटर 39 मिलीमीटर तो इट मास इज 5.0188 10 टू द पावर 25 एटम ऑफ कार्बन 12 1 मीटर की बात करते हैं तो डिस्टेंस दैट कंटेेंस द 1650763.73 wavelength of the orange-red light of the KR86 Krypton. One second ki to, uh, one second in a time in which the cesium atom vibrate 9192631770 times in an atomic clock. 1 Kelvin, one Kelvin is the 1 by 273.16 part of the thermodynamics temperature of the triple point of water 1 candela ki baat 1 by 60 luminous intensity of the ideal source by an area of centimeters when the source is at melting point of platinum 1760 degrees centigrade this is the point melting point of platinum every metals are having the different melting points 1 ampere is the electric current which is maintained in a two straight parallel conductor of infinite length, students and the negligible cross section area placed one meter apart in vacuum will produce between them a force 2 into 10 to the power minus 7 per meter length. One mole is the amount of substance of system which contains some many elementary entities, maybe atom, molecules, ion, electron, or the group of particles. जीरो पॉइंट जीरो करते हैं हम लोग तो ये क्या था ये हमारा डेफिनेशन था फंडामेंटल यूनिट का और सिस्टम की बात करें तो हमारे पास चार सिस्टम होते हैं सीजीएस सिस्टम एफपीएस सिस्टम एमकेएस सिस्टम और एस SI सिस्टम तो सिस्टम यूनिट इज अ कम्प्लीटली सेट ऑफ यूनिट बहुत फंडामेंटल और डिराइव ये दोनों होती है फॉर ऑल काइंड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी तो कुछ कॉमन दैट सिस्टम यूनिट की बात करते हैं तो सी का जो है इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है यूनिट ऑफ मास जो होता है वो ग्राम में होता है और यूनिट ऑफ टाइम होता है सेकेंड में इसीलिए इसको सी बोलते हैं सी से हमारा हो गया आपका सेंटीमीटर जी से हो गया आपका ग्राम और एस से हो गया सेकेंड एफ पी एस सिस्टम में हमारा जो बात करते हैं आपने देखा होगा कि घर का अगर हम एरिया निकालते हैं तो ये बताते हैं इतना फुट का है इतना फुट का है यूनिट ऑफ लेंथ अगर बात करें तो वो फुट में है और यूनिट ऑफ मास की बात करें तो पाउंड में है और यूनिट ऑफ टाइम की बात करें तो वो सेकेंड में है तो एफ पी एस सिस्टम ये कहलाता है एम के एम के एस सिस्टम क्या है कि यूनिट ऑफ लेंथ मीटर में है यूनिट ऑफ मास किलोग्राम में है और यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड में है और ऐसे यूनिट की बात करें तो यह सिस्टम कंटेन करता है सेवन फंडामेंटल यूनिट्स एंड टू सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स तो ये चार सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसके थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द सम मैकेनिकल ऐसा यूनिट और कॉमनली यूज यूनिट अगर हम बात करते हैं तो लेंथ और मास यह हमारा फिजिकल क्वांटिटी है यूनिट की बात करें तो वन माइक्रॉन इज कल टू द पावर माइनस सिक्स मीटर वन माइक माइक्रोमीटर इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस सिक्स मीटर तो वन माइक्रोमीटर में कितना होता है टेन टू द पावर माइनस सिक्स मीटर और वन एंगस्ट्रॉन में होता है टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर और वन मेट्रिक टन में होता है टेन इंटू टेन इंटू टेन मीन्स दैट और टेन टू द पावर थ्री किलो मीटर सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने क्या देखा यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं अब थोड़ी सी और बात करते हैं हम लोग तो एक पाउंड होता है हमारा 0.4537 किलोग्राम जीरो पॉइंट फोर फाइव थ्री 23 किलोग्राम वॉल्यूम की बात करें तो वन लीटर टू होता है टेट द पावर माइनस थर्टी टू क्यूबिक मीटर अब फोर्स की बात करते हैं हम लोग तो लिक्विड में हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे लीटर की फोर्स में बात करते हैं वन डाइन इक्वल टू टेन दावर माइनस फाइव न्यूटन वन केजीएफ जी एफ टू नाइन पॉइंट एट वन न्यूटन वन केजीएफ मीटर स्क्वायर इक्वल टू नाइन पॉइंट एट वन न्यूटन मीटर स्क्वायर ये तो फोर्स का था डाइन केजीएफ, किलोग्राम फोर्स एंड किलोग्राम फोर्स मीटर पर स्क्वायर सो ये फोर्स की यूनिट हो गई प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में हमारा जो है square, square, HG, mercury, three three square, square, mercury, 1 kf स्क्वायर दैट इज 9.81 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 मिलीमीटर ऑफ जी मरकरी 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी दैट इज 1.01 10 फाइव पास्कल वर्क ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो वन ई आर जीवल पावर माइनस सेवन जूल वन के जी एफ मेटल टू नाइन पॉइंट एट वन जूल वन किलो 6 आवर्स एंड वन ई वीवल टू वन पॉइंट पार माइनस नाइन जूल और किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकेंड इसल टू नाइन पॉइंट पावर वन हाउस टू होता है पावर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करें तो वन फर्मी टू द पावर माइनस फिफ्टीन मीटर वन एक्सरे यूनिट इज टू द पावर माइनस थर्टीन मीटर वन Astronomical unit 1.49 into 10 to the power 11 meter average distance between Sun and Earth, and one light year is equal to 9.46 into 10 to the power 15 meter, and one parsec is equal to 3.08 into 10 to the power 16 meter, it means that 3.26 light year. सम्रोक्सीमेट मास नॉट मासर्टी किलोग्राम एंड मून इज सेवन इंटू टेन दावर ट्वेंटी टू किलोग्राम एंड एस्ट्रॉइड एरो डायमेंशन अगर बात करें कि डायमेंशन क्या है तो डायमेंशन है हमारा coi be physical quantity those powers which are raised to fundamental units to express it units the expression which show how in which the base quantity represent the dimension of the physical quantity that is called dimensional formula so quantity physical dimensional formula and unit डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया कैपिटल मीटर माइनस पर सेकेंड एसेलरेशन एल टी माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एरिया का आपने देखा एल स्क्वायर है वॉल्यूम का एल क्यूब है का आपका एल टी माइनस वन है मतलब मीटर पर सेकेंड टाइम भी ऐड हुआ है माइनस टू दट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स एम एल टी माइनस टू न्यूटन वर्क एन एनर्जी एम एल स्क् पावर माइनस टू जूल पावर की बात करें तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री एन जूल पर सेकेंड और वॉट प्रेशर और स्ट्रेस की बात करते हैं तो एम एल टू दावर माइनस वन एन टी टू दावर माइनस टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मीन एम एल टी टू दावर माइनस वन डेंसिटी की बात करते हैं तो एम एल माइनस थ्री किलोग्राम मीटर क्यू स्ट्रेन लेस यूनिट लेस मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी एम एल टू दावर माइनस वन टी टू दावर माइनस टू एंड दैट इज अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सरफेस टेंशन वेन एवर यू ड्रॉप दॉटर यू हैव सीन द वॉटर इज स्टॉप द टाइम दैट इज दरफेस टेंशन m t to the power minus 2 newton per meter velocity is gradients that is a t to the power minus 1 means second uh, power minus 1 means per second coefficient of the velocity is the m l minus 1 t minus 1 kilogram meter per second gravitational constant you know capital G m to the power minus 1 l q t minus 2 newton per meter square uh, kz square moment of inertia ml square kz m square angular velocity t to the power minus 1 so that rad by s so that already we have discussed in the previous slide and angular acceleration that is t to the power minus 2 rad upon s square angular momentum ml square t minus 1 kilogram meter square second A specific heat L squared T to the power minus 2 theta minus 1. So k cal k per kz per Kelvin. Latent heat that is the L squared T minus 2 k cal kz. Planck constant ml squared T to the power minus 1 j to the power minus 5. So universal gas constant is ml squared T to the power minus 2 theta minus 1 and j mole kilogram.